कीजिएगा मेरे दोस्त, और यहाँ पर अपन कर लेंगे एक बहुत ही अच्छा खासा यू टर्न टेस्ट। तो ये मैंने गाड़ी को घुमाई, अपॉर्चुनिटी और एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है भाई। आज अपन रिव्यू करने वाले द ब्रांड न्यू 2020 Hyundai Grand i10 Nios Esta भाई। ये जो एक टॉप वेरिएंट मॉडल होने वाला है। एंड ब्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू मोदी Hyundai गोरेगांव वेस्ट, जिन्होंने जो है मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड की अब तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको वो शोरूम विजिट करना है या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाननी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको जो है सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड इसी गुड नोट के साथ जो अपन शुरू करते थे आज का ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, 3, 2, 1 ज़ूम। ऑलराइट, तो मेरे सामने है द ब्रांड न्यू 2020 Hyundai Grand i10 Esta Nios, और अभी अपन जो है फटाक से शुरुआत करेंगे गाड़ी के फ्रंट पार्ट से। सो दिस इज द फ्रंट व्यू। फ्रंट से जो है गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है, और अगर हेडलाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, एंड आगे की साइड जो आपको यहाँ पर एक स्मोक्ड आउट इफेक्ट मिलते हैं जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क दिखते हैं। टर्न इंडिकेटर्स एंड एक बहुत ही खूबसूरत सा बुमरैंग शेप में दिखने वाला DRL सेटअप, और दिस इज़ द ग्रिल। ये रही गाड़ी की ग्रिल, यहाँ पर जो आपको थोड़े बहुत सिल्वर कलर में फिनिशिंग मिल जाएंगे, Hyundai की ब्रांडिंग। और अभी अपन जो है तुरंत गाड़ी का बोनेट ओपन करेंगे एंड मैं आपको दिखा दूँ गाड़ी का इंजन। सो दिस इज़ द 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। बाय द वे, ये जो गाड़ी है वो एक टॉप वेरिएंट मॉडल है। अभी अपन जो है गाड़ी के बोनेट को कर देते बंद। सो वंस अगेन, दिस इज द फ्रंट व्यू, और अभी मैं जो आपको गाड़ी का दे देता हूँ एक अच्छा खासा साइड व्यू, जिससे आपको पता चलेगा कि साइड से जो है गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और अपन अभी आ जाते हैं टायर्स पे। सो टायर्स पे जो यहाँ पर आपको 14 इंच के डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं, एंड अगर टायर साइज़ की बात करें तो 175/60 R15 के MRF के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं मेरे दोस्त। और ऊपर की साइड आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स साइड मिरर्स पे ही मिल जाएंगे, और फ्रंट में जो आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एंड बैक में जो है आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और अभी अपन आ जाते हैं गाड़ी की बैक व्यू पे। सो बैक से जो है गाड़ी दिखने में कुछ इस तरीके से दिखती है, काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड डिज़ाइन, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल यहाँ पर रखा हुआ है Hyundai ने। और सो यहाँ पर आपको मिल जाती है ग्रैंड i10 की ब्रांडिंग, Nios की ब्रांडिंग, Hyundai का लोगो, और वंस अगेन Esta का ब्रांडिंग। और यहाँ पर जो आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे वो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, ब्रेक लाइट जो है वो भी बल्ब ही रहेंगी। और दूसरी बात, पीछे की साइड आपको यहाँ पर एक रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है, वाइपर भी मिल जाता है। और अभी अपन जो है तुरंत गाड़ी का बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो आपको एक 285 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, मतलब आप जो है आपका सामान यहाँ पर आसानी से रख पाओगे। अगर मान लीजिए आपको दो बड़ी बड़ी सूटकेस रखनी है वो भी यहाँ पर आसानी से आ जाएगी। एक छोटी सी लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, एंड नीचे की साइड आपको यहाँ पर एक स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाता है विद टूल किट, और एक छोटी सी ट्रे यहाँ पर, एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ वंस अगेन द बैक लुक। बूट ओपन होने पर कुछ इस तरीके से दिखती है गाड़ी, और अभी अपन जो है इसको कर देते हैं बंद। और नीचे की साइड जो आपको छोटे मोटे रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, एंड गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है बहुत ज़्यादा नीचे, एंड यहाँ पर आपको एक सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है। सो ये था गाड़ी का आउटर व्यू। अभी अपन देखते हैं गाड़ी अंदर से है कैसी। बाय द वे, यहाँ पर जो है आपको G i10 Grand i10 की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है, जो एक ग्लॉस इफेक्ट में आती है। और ये जो वाइट कलर है काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिश्ड वाइट कलर है, एंड ऊपर की साइड आपको एक शार्क फिन भी मिलती है, वो रही शार्क फिन। और इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ कलर्स मिल जाएंगे, उसके लिए जो आप प्लीज़ शोरूम विजिट कीजिएगा। और डोर हैंडल पे यहाँ पर आपको एक कमाल का कड़क वाला क्रोम फिनिशिंग मिल जाता है मेरे दोस्त। और अभी अपन जो तुरंत अंदर बैठ के देख लेंगे कि पीछे जो है गाड़ी में स्पेस है कितनी मेरे दोस्त। और ये मैंने कर दिया गाड़ी का दरवाज़ा बंद। सो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस कार, आई मीन आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा छोटी है, बट फ्रेंकली बताओ गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। 4 से 5 लोग जो है इस गाड़ी में आराम से बैठ पाएंगे, और आप देख पा रहे हो मेरी जो हाइट है वो है 5'10", फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा आगे लेग रूम मुझे मिल रहा है। एक पावर विंडो का ऑप्शन, और यहाँ से जो आप डोर लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो, और यहाँ पर जो एक अच्छा खासा सा मैट सिल्वर फिनिश में ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। ये रहे गाड़ी के स्पीकर्स, और यहाँ पर जो आप बॉटल वगैरह भी रख पाओगे। 2 AC वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, ये रहा 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। और एक छोटा सा हम्प है, बट बहुत ज़्यादा हम्प नहीं है, मैं जो आपको अपना पाँव रख के दिखा दूँ, एक छोटा सा हम्प यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा भी हम्प नहीं है। आप आसानी से अगर यू नो एक छोटा सा बंदा बीच में बैठेगा तो उसको ज़्यादा वो हम्प फील नहीं होगा।
और हेड स्पेस जो है काफी ज्यादा यहाँ पर आपको हेड स्पेस भी दिख जाता है, जो है काफी आसानी से यहाँ पर इधर बैठ पाओगे। और अगर विंडो से व्यू की बात करें तो काफी बेहतरीन सा व्यू आपको प्रोवाइड कर देगी यहाँ पर। और दो हेडरेस्ट मिलते हैं आपको यहाँ पर, एक हेडरेस्ट यहाँ पर और दूसरा हेडरेस्ट जो है मेरे पीछे है। और एक सीट बेल्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और वो बाजू भी आपको एक सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहे हैंडल बार्स, काफी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में। सो पीछे से जो है गाड़ी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और ये रहा गाड़ी का कॉकपिट, तो अभी अपन जो है तुरंत उतर जाते हैं गाड़ी से एंड लेट्स सी आगे और क्या क्या फीचर्स में देखने को मिलता है। ये मैंने कर दिया गाड़ी का दरवाजा बंद और अभी अपन बैठते हैं आगे की साइड एंड लेट्स सी आगे क्या क्या ऑफर करती है। सो सबसे पहले डोर पे जो है यहाँ पर आपको सारे के सारे पावर विंडोज़ के बटन्स देखने को मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। और यहाँ से जो आप अपने साइड मिरर्स को भी चेंज वगैरह कर पाओगे, और इस बटन से जो आप अपने साइड मिरर्स को खोल सकते हो और बंद भी कर सकते हो, बट फिलहाल जो अपन इसको खुला ही छोड़ देंगे। एंड यहाँ से जो अपनी सीट की हाइट वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर पाओगे, और ये लीवर से जो आपका पेट्रोल का लीड खुल जाएगा। एंड गाड़ी की जो सीट्स है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कुशंस जो है काफ़ी अच्छे से यूज़ किए हुए हैं, जो मैं आपको चलाने के टाइम पर बताऊँगा। और एक पूरा का पूरा एक ग्रे फिनिश में आपको गाड़ी की सीट्स भी देखने को मिल जाती है, तो एक बहुत ही अच्छा खासा यू नो लुक एंड फील ऐड कर देते हैं। और अभी अपन जो तुरंत बैठ जाएंगे गाड़ी में एंड लेट्स सी गाड़ी में जो है और क्या क्या ऑफर होता है। गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतरीन सा यहाँ पर किया हुआ है, काफी ज्यादा एक गोल आकार में आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। एंड एक छोटा सा मैट सिल्वर फिनिश भी दिया हुआ है यहां पर, आपको मिल जाएगा अपना हॉर्न, होंडा की ब्रांडिंग। और यहां से जो आपके सारे के सारे मल्टीमीडिया फंक्शंस ऑपरेट हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे जो आपको किसी भी तरीके का बटन्स नहीं मिलता, और यहां इस गाड़ी में जो आपको किसी भी तरीके का क्रूज कंट्रोल भी नहीं मिलता। और गाड़ी की अगर डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी यूनिक सा दिखने वाला यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिलता है, मतलब आपको जो यहाँ पर एनालॉग के साथ साथ एक MID डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर जो है आपको अपनी RPM मिल जाती है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी अपनी स्पीड, टेम्परेचर, कितने किलोमीटर्स आपकी गाड़ी चलेगी, रेंज कितना बचा है और कितने किलोमीटर्स आपकी गाड़ी चल चुकी है, और एक छोटा सा फ्यूल गेज यहाँ पर। बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो आप यहाँ से भी टॉगल वगैरह कर पाओगे मेरे दोस्त। और लीवर्स पे आते हैं तो लीवर्स पे जो है आपको वो सारे के सारे फंक्शन मिल जाते हैं जो आपको हर एक गाड़ी में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ से जो आप अपनी हेडलाइट्स को ऑपरेट कर पाओगे, और यहाँ से जो आप अपने वाइपर्स को ऑपरेट कर पाओगे। और मिडिल में आते हैं तो मिडिल में यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा टच रिस्पॉन्सिव वाला एक 8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसमें जो आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले का भी ऑप्शन मिलता है मेरे दोस्त। और बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो है आप जब गाड़ी देखने आओगे तब आप खुद देख लेना। टच रिस्पॉन्स जो है डिस्प्ले का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और अगर आप चाहो तो पीछे वाला कैमरा ऑन करके भी इस डिस्प्ले पे देख सकते हो, बट फिलहाल जो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरी गाड़ी जो है वो पार्क्ड है, अनअवेलेबल व्हेन, क्या लिखा हुआ है, अनअवेलेबल व्हेन द व्हीकल इज पार्क्ड। ओके, तो अब जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको जो यहाँ पर सारी की सारी कीज भी मिल जाते हैं जिससे थ्रू आप इस डिस्प्ले को ऑपरेट कर पाओगे। और ये रहा इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, और यहाँ से जो आपकी हेडलाइट का लेवलिंग भी सेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपको 4 AC वेंट्स मिलते हैं, ये रहे दो, और दूसरे दो जो है आपको यहाँ पर साइड पे देखने को मिल जाते हैं, जिसपे जो है आपको हल्के फुल्के से सिल्वर कलर के फिनिशिंग भी देखने को मिल जाते हैं। और ये रहे AC टेम्परेचर कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, बट फिलहाल जो मेरे फोन में जो है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते, बट अगर आपके फोन में वायरलेस चार्जिंग है तो आप यहाँ पर रख के अपने फोन को चार्ज वगैरह कर पाओगे। 2 USB सॉकेट मिलते हैं एंड एक चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मेरे दोस्त, जो कुछ इस तरीके से खुलता है एंड बंद होता है। 5-speed गेयरबॉक्स मिलते हैं, बाय द वे ये जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो एक मैनुअल वर्जन में आती है। 2 कप होल्डर्स, और ये रही हैंड ब्रेक्स, और थोड़े बहुत चीज़ें रखने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटी सी जगह भी दी हुई है। किसी भी तरीके का आर्म रेस्ट नहीं मिलता, और साइड पे साइड पे जो आप बॉटल वगैरह भी रख पाओगे, और एक कूल ग्लव बॉक्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा खासा स्पेशियस है, तो आप जो अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर रख पाओगे। और एक छोटा सा जो है कंपार्टमेंट यहाँ पर भी दिया है, तो अगर आप चाहो तो अपने फ़ोन वगैरह को भी यहाँ पर रख पाओगे। बाकी ओवरऑल अगर आप गाड़ी का कॉकपिट देखो तो 2 कलर में डिवाइडेड है, एक है सिल्वर एंड दूसरा है वाइट, एंड छोटे मोटे जो है टेक्सचर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, सो काफ़ी अच्छा खासा एक यू नो लुक एंड फील ऐड कर देती है। ये रहा गाड़ी का रेयर व्यू, यहाँ पर आपको मिरर्स मिलता है, और यहाँ पर जो M0 आपको मिरर्स मिलेंगे कि नहीं, आपको जो यहाँ पर नहीं मिलते। और ये रही गाड़ी की लाइट्स, अपन एक बार इसको ऑन करके दिखा दूँ। तो ये था गाड़ी का एक वॉक अराउंड, तो अभी अपन देखते हैं कि गाड़ी एक्चुअल में चलने में है कैसी। सो 3, 2, 1 जूप। ऑलराइट, सो फाइनली अपन आ चुके हैं ड्राइव मोड पे, तो अभी अपन जो तुरंत गाड़ी का इंजन करेंगे स्टार्ट। चलो यस, गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है काफी ज्यादा बेहतरीन, और यहां पर अपन कर लेते एक स्पीड ब्रेकर टेस्ट।
स्पीड ब्रेकर पे से नो इश्यूज एट ऑल। एंड इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 195 mm, मतलब कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो रफ पैच और स्पीड ब्रेकर में से लेने में लेके जाने में आपको बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। और स्टेयरिंग की अगर बात करें, गाड़ी का जो हैंडलिंग है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है टू बी प्रिसाइज, मतलब आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देगी यहाँ पर। अगर आपको यू नो टाइट स्पॉट्स वगैरह में से निकालनी है गाड़ी, तो आपको ज़्यादा यू नो ताकत लगाने की जरूरत नहीं, आप जो है एक सिंगल हैंडेडली भी इस स्टेयरिंग को कंट्रोल कर पाओगे, क्या बात है। एंड गियर शिफ्टिंग अगर बात करें, गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो भी काफ़ी यू नो आसानी से आप कंट्रोल वगैरह कर पाओगे, काफ़ी इजी टू गो गियर बॉक्स। और सस्पेंशन, गाड़ी के सस्पेंशन एकदम ही ज़्यादा सॉफ्ट सेटिंग पे रखे हुए, तो आपको जो है ज़्यादा झटके वगैरह फील नहीं होते। हाँ, आपको वो एक बाउंस बैक इफेक्ट ज़रूर मिलेगी, बट झटके जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम लगेंगे। स्पीड ब्रेकर ही स्पीड ब्रेकर यहाँ पर। एंड गाड़ी का जो डिजिटल कंसोल, उसको रीड वगैरह करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, काफ़ी बड़े फॉन्ट्स हैं यहाँ पर। और यस, यहाँ पर जो आपको एक गियर शिफ्ट की वार्निंग भी मिलती है, जैसे कि यू नो यहाँ पर जस्ट मुझे वो पिंग करके आपको आवाज़ आया रहेगा, तो आपको जो इंडिकेशन दे देगी जब कोई भी आपको जो है गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल गाड़ी का जो ड्राइविंग कंफर्ट है, अरे ओवरऑल जो गाड़ी का ड्राइविंग सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल बनाया हुआ है, स्पेशली अगर आप यू नो सिटी के लिए कोई गाड़ी देख रहे हो जो साइज़ में छोटी हो और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी अंदर से 5 लोगों को आराम से अकोमोडेट कर पाए, तो ग्रैंड आइटन जो है ज़रूर से आके चेकआउट कीजिएगा मेरे दोस्त। और यहाँ पर अपन कर लेंगे एक बहुत ही अच्छा खासा यूटर्न टेस्ट। तो ये मैंने गाड़ी को घुमाई, नो इश्यूज एट ऑल, गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, क्या बात है भाई। इस गाड़ी को रेव करने में जो मज़ा आता है ना यार, कसम से मज़ा आ गया मुझे। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो है काफ़ी अच्छा खासा पावर प्रोड्यूस कर लेती है, स्पेशली फर्स्ट गियर में जो गाड़ी खींचती है मज़ा आ जाता है। और स्पेशली 3,500-4,000 RPM के बाद गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा वोकल बन जाती है, मतलब आपको जो है इंजन साउंड सुनाई देना शुरू हो जाते हैं, उसके पहले जो आपको शायद ही इंजन साउंड सुनाई देगा। और एसी भाई, एसी तो जो है कमाल का काम कर रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ठंड लग रही होगी और आप लोगों को भी एसी का आवाज़ आता होगा। क्या बात है। एंड गाड़ी का जो रेयर व्यू मिरर है वो भी काफ़ी अच्छा खासा आपको पीछे व्यू देने के, बट सबसे बेस्ट बात आप जो है ऑन द गो में इस डिस्प्ले के थ्रू अपने पीछे क्या चल रहा है वो भी देख सकते हो। मैं जो आपको एक बार ऑन करके दिखा दूँ, ये मैंने गया और ये यहाँ से जो है ऑन हो जाता है, तो काफ़ी यू नो अच्छा खासा आपको व्यू यहीं से मिल जाता है, आपको जो ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करता गाड़ी चलाने के टाइम पे इसको ऑन रखो, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग बनता है, बट यू नो थोड़े बहुत पैचेस के लिए अगर आपको देखना है तो आप देख पाओगे। साइड व्यू मिरर पे आते हैं, तो साइड व्यू मिरर जो आपको अच्छा खासा व्यू दे देंगे, पीछे काफ़ी बड़ा सा साइड व्यू मिरर है। ह्युंडई की जो इंजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ साइड पे होते हैं ऑलमोस्ट, तो इस गाड़ी में भी जो आपको एक स्मूथ इंजन की फील ज़रूर मिल जाएगी। अपने एसी को थोड़ा बहुत स्लो कर देते, मुझे जो है ठंडी लगना शुरू हो चुका है। और यस, एसी के जो है फटाक से गाड़ी को ठंडी भी कर देगी, तो अगर आप यू नो काफ़ी गर्मी से आ रहे हो तो अपनी गाड़ी में बैठ के जो आप तुरंत कूल डाउन भी हो पाओगे। एंड इस गाड़ी का जो टैंक साइज़ है वो है 37 लीटर्स, और माइलेज जो है लगभग आपको इस गाड़ी में से 21 के आसपास मिल जाएगी। तो बेसिकली ये गाड़ी जो है सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होगी, या तो फिर अगर आप चाहो तो इस गाड़ी को आप अपनी एक सेकेंड कार भी बना सकते हो। एंड गाड़ी का जो क्लच है उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट सेटिंग पे रखा हुआ है, तो आपको जो है ना ज़्यादा जोर लगाकर दबाने की ज़रूरत नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हो। सीट जो है काफ़ी अच्छा खासा मुझे ग्रिप भी प्रोवाइड कर रही है और काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट साइड पर रखी हुई है, तो अगर आप चाहो तो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स क्लॉक कर पाओगे इस सीट पर बैठे हुए। सो एंटरटेनमेंट की अगर बात करें, यहाँ पर जो आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, तो मैं जो आपको एक बार अंदाज़ा दे दूँ गाड़ी का स्पीकर जो है कैसे साउंड करता है। तो जैसे कि आपने सुना, गाड़ी की जो स्पीकर्स है काफ़ी अच्छा खासा साउंड प्रोवाइड कर रही है। हैशटैग कौन सा गाना बजा इन द चैट मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त, क्या बात है। तो अभी मैं बैठा हूँ पैसेंजर सीट पे, एंड माइंड यू आगे जो है लेग रूम, आपको काफ़ी बेहतरीन सा लेग रूम मिलती है, तो आपके साथ जो पैसेंजर रहेगा उसको जो है बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है स्पेसिंग को लेकर। सो ड्राइवर एज वेल एज पैसेंजर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एंड पीछे की साइड भी जैसे मैंने आपको बताया, आप जो है आसानी से 3 लोग बैठ पाओगे अगर आप पतले हो, और अगर आप यू नो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी साइड पे हो तो आप जो है इस गाड़ी में 4 जन आराम से बैठ पाओगे। ह्युंडई i10 का जो प्राइस रेंज है वो है 512 से शुरुआत होती है ऑल द वे टू 775 लाख एक्स शोरूम। अगर आपको ऑन रोड कॉस्ट जानना है तो प्लीज़ शोरूम को विजिट कीजिएगा, या तो फिर आप जो है डायरेक्टली शोरूम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आता है क्या करना है, लाइक बटन ठोकना और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। एंड द ब्लॉग है, आई होप दिस वीडियो गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज वीडियो ब्लॉग साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।